बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। स्क्वायर में शिमला मिर्च काट लिए, इसी तरह आलू को भी स्क्वायर पीसेस में काट लिए। तो शेप अच्छी हो तो सालन भी देखने में अच्छा लगता है। चलते हैं कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चूल्हा हमने जला लिया। इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे, एक अदद प्याज है ये डालेंगे। प्याज को हल्का सा हम सोते करेंगे। प्याज फ्राई हो गए, अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये तीन अदर टमाटर लिए मैंने, उनका पेस्ट बना लिया, ये भी डाल देंगे। साथ ही हम अब इसके स्पाइसेस डाल देंगे। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद में देखें, ये देख माशाल्लाह से मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। पाँच मिनट तक हम इसे आलूओं को पकाएंगे। ढक के 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए आलूओं को पकते हुए। ये देखें आलू हमारे 60% गल जाने चाहिए। हमारे आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। मसाले में अच्छे से भून लेंगे, मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीन से चार चम्मच हम इसमें पानी डाल दें। अब हम इसे दम वाली आंच पे ढक के 5 मिनट पकाएंगे। ये देखो माशाल्लाह से हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी हो गई है। शिमला मिर्च भी गल गई और आलू भी गल गए। चूल्हा मैं ऑफ कर दूँगी। मज़ेदार थी हमारी आलू शिमला मिर्च रेडी हो गई। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।